हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम बलविंदर कौर है और जो खुशीपुर के रहने वाले हैं, और इस सिस्टर की गवाही जे है कि जे सिस्टर दुबई में रहते थे और जिस सिस्टर ने 14 महीने वहाँ पर काम किया और किसी कारण जो इनका पासपोर्ट था इनकी कंपनी ने इनसे ले लिया और 7 महीने वहाँ पर जे बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि इनका पासपोर्ट वो वापस नहीं थे दे रहे और जे बहुत ज़्यादा वहाँ पर रो रहे थे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी जे इंडिया वापस आने के भी और ना ही वहाँ पर काम करने के लिए। और जे ऑनलाइन मीटिंग को देखकर संगति तो देखते थे, विश्वास कर रहे थे, पर जो विश्वास है वो जो इतनी टेंशन थी वैसा विश्वास नहीं थे दे पा रहे और जे सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे। और जैसे इसका कारण ये था कि उससे उन दिनों में इनकी फैमिली ने बताया है कि जे कंडीशन हालात इसके जीवन में आने का कारण ये था कि इनकी फैमिली 2 महीने इस संगति में नहीं थी आ रही। और जिस इसकी मम्मी है ये भी बता रहे थे कि 2 महीने हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी थी, घर में क्लेश भी हो चुका था और इस बेटे के कारण भी जे खुद भी बहुत परेशान थे। और जैसे इन्होंने फिर से मन बनाया, अपने मन को फिराया और परमेश्वर के सन्मुख परमेश्वर की हजूरी में आए तो जे सिस्टर बताते कि जैसे ही लगातार जे सिस्टर ने 6 मीटिंग 6 हफ्ते अटेंड की संडे की, तो जे बताते कि संडे की जब 6वें लास्ट में मीटिंग अटेंड की और उसी दिन ही परमेश्वर ने जिस सिस्टर को इनका पासपोर्ट दे दिया और आज इस सिस्टर हमारे बीच में परमेश्वर ने इनको संभाल कर रखा है। ये पॉइंट सुनो, ये पॉइंट नोट करो। हाँ, इतने 7 महीनों से ये वहां पे दुबई पे ये बेटी परेशान थी। क्या थी? परेशान थी क्योंकि पासपोर्ट ले लिया, अभी ना काम है ना घर है वहां पे ना कुछ है। क्योंकि ये इसकी मुझसे बात होती थी कई बार और ये रोती थी क्योंकि ना घर है ना कोई काम ना कुछ नहीं, थर थर की वहां पे ठोकरे खा रही। और ये इसके मम्मा है। हाँ, कई बार इस चीज के लिए उन्होंने अपना मन खराब कर लिया। हाँ, इसकी मम्मा ने कई बार मन खराब कर लिया कि परमेश्वर हमारी तो सुनता नहीं। हाँ? क्या करें आकर उसकी हजूरी में, अपने काम में बिजी रहे और परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया। और जैसे मन बनाया, क्या बनाया, जैसे मन बनाया 6 मीटिंग लगातार अटेंड की। 6वीं मीटिंग में हाँ 6वीं मीटिंग में खुदा के आत्मा ने इन्हें शुआ। हाँ, पहले तो अपनी सुविच्छा को डाला। बाइबल क्यों लिखा फिलिपियों 2:13 में कि परमेश्वर अपनी सुविच्छा के द्वारा अपने नए काम के आराध्य को क्या करता है। और जैसे परमेश्वर ने अपनी सुविच्छा को डाला और इन्होंने मन बनाया कि मैं 6 हफ्ते, हाँ ऐसे ये नहीं कहा कि 6 नहीं जरूरी कि 6 हफ्ते ही मन में ऐसे लिया के 6 हफ्ते जाऊंगी। इन्होंने मन बना लिया कि अब मैंने किसके साथ जीना है, किसके साथ जीना है। और जैसे मन बनाया उसके ग्रेस का हाथ इनके ऊपर आ गया। यहां से दुबई कितनी, हाँ कितनी दूर है, पर परमेश्वर किसी से दूर नहीं है। क्यों? बाइबल में लिखा वचन तेरे निकट है बल्कि तेरे मुंह में विश्वास का बचने। कौन तेरे पापों के लिए मरा, हाँ, और कौन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर तू हृदय से और मुंह से अंगीकार करे, विश्वास करे, तू बचाया जा चुका, तेरा काम हो चुका है। हाँ, और जैसे उस वचन को अपने जीवन में लिया, लास्ट 6वें हफ्ते लास्ट वीक, हाँ परमेश्वर ने अपना द्वार खोल दिया, अपना स्वर्ग खोल दिया। हाँ, जो काम 7 महीनों से नहीं हो रहा था 6 हफ्तों में मन बनाया और परमेश्वर ने कर दिया। हाँ, और ये आज आपके सामने है। अब पासपोर्ट उन्होंने, कंपनी वालों ने पासपोर्ट दे दिया है जी, वापस दे दिया, इसलिए जहां पर आए। अच्छा, अभी देखो कंपनी वालों ने पासपोर्ट भी दे दिया, पर कब मिला पासपोर्ट वापस? जब इन्होंने इधर से मन बनाया। इस गवाही से पता चलता है कि जितने लोगों के काम रुके हैं, जिनको छुटकारा नहीं मिल रहा, उनको ऐसा मन बनाने की जरूरत है। जिन लोगों के काम रुके हुए हैं, जिन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा, उन्हें ऐसा मन बनाने की जरूरत है।
और हर कोई एनीबॉडी, मैंने कहा हर कोई इंसान उसकी गवाही से, उसकी महिमा से, उसकी आशीषों से वो यहां पे खड़ा होकर गवाही देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तारीफ करो ऊंचा 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 उस सर्वशक्तिमान की तारीफ करो, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। हाँ, इस गवाही के लिए हम एक भजन गाएंगे छोटा सा। हाँ हाँ खाओ, हाँ खड़े रहो। आप चाहते नहीं हो, क्योंकि 7 महीने से ये तो जेल वाला ना, जैसे जेल से शूट कर आए हैं। हाँ हाँ, तो खुशी से हम प्रभु की खाकर उसकी आराधना करके। हाँ, क्योंकि मुझे सुनो, मैंने बहुत बार किया कि मुझे खुशी जब मेरे घर, जब परमेश्वर ने मुझे बेटे से ब्लेस किया था, उतनी खुशी मुझे तब नहीं होती जब परमेश्वर के, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है, जितनी खुशी मुझे होती है। हाँ? गाओ। कोई ओ देवर के भट्टे कम नहीं कर सकदा, कोई ओ देवर के भट्टे कम नहीं कर सकदा। यस, ओदी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकदा, ओदी दया सदा दी होते सब कुछ कर सकदा। ते ईमान करे ओ मर के भी ना मरदा है, जेड़ा उस ते ईमान करे ओ मर के भी ना मरदा है, अनोखे काम करदा है। शैतान, शैतान सोच रहा था हाँ मैं ऐसे ही रखूंगा, पर अब लगा थप्पड़ उसे। क्या लगा? पर कब लगा? कब शैतान को आपके जीवन से थप्पड़ लगेगा उसे? जब आप मन बनाओगे ऐसा, ठीक है? ओके, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से।